पूरे देश भर में राम जन्मभूमि पर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर उत्साह और उमंग देखने को मिल रही है। हर कोई अपनी हाजिरी अयोध्या में लगवाना चाहता है, चाहे वह स्वयं जाकर लगे या फिर अपनी सेवा भेजकर। आज कैथल में भी श्री गुरु गोरखनाथ भंडारा सेवा समिति की भंडारे के सामान से भरी गाड़ियों को कांग्रेस नेता सुदीप सुरजेवाला ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ हरी झंडी दिखाकर विदाई दी। इस दौरान कार्यकर्ताओं में काफी जोश देखने को मिला। कैथल के कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साह में नजर आए। कांग्रेस नेता सुदीप सुरजेवाला ने भंडारा ले जाने वाले लोगों का फूल मालाओं से स्वागत किया और उनकी यात्रा के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। ये हम सभी कैथल वासियों का सौभाग्य है कि हमें अयोध्या में पूरे शहर वासियों के सहयोग से भंडारे का आयोजन करने का मौका मिला है। मैं तो यही भगवान राम से हाथ जोड़ के हमेशा की तरह एक वो ही करेंगे कि हमारे शहर पर, हमारे इलाके पर, बजरंग बली की इस नगरी पर भगवान श्री राम का हमेशा हमेशा आशीर्वाद बना रहे। हमारे लिए, हमारे शहर के लिए तो सौभाग्य की बात है कि 140 करोड़ की आबादी के देश में कैथल शहर को ये मौका मिला है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। अब पूरा वहाँ दो महीने आप भंडारा देखिएगा कि कैथल के सारे साथी मिलजुल कर सभी बातों से ऊपर उठकर क्या जोश से लोगों की सेवा करेंगे। ये तो कैथल शहर का बड़ा सौभाग्य है कि पूरे कैथल का दाम आज भंडारे में बड़े सहस किसी ने 2 रुपए का दाम डाला हो, सबकी आहुति डली है और इसमें बड़े सौभाग्य की बात है कि शहर का सौभाग्य है कि मतलब अयोध्या में भंडारा। सुदीप सुरजेवाला ने कहा कि कैथल वासियों का सौभाग्य है कि पूरे शहर के सहयोग से उन्हें अयोध्या में भंडारा लगवाने की सेवा मिली है। उन्होंने कहा कि पूरे 2 महीने तक कैथल के साथ ही सभी बातों से ऊपर उठकर पूरे उत्साह के साथ इस भंडारे में अपनी सेवा देंगे और भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अपनी भूमिका अदा करेंगे। पंजाब के केसरी टीवी के लिए कैथल से कांता शर्मा की रिपोर्ट।